नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आज है 12 तारीख और आज है कामदा एकादशी। एकादशी वाले दिन दोस्तों, जो भी जीव भगवान नारायण की सेवा पूजा करते हैं, उन्हें कभी पितृ दोष तकलीफ नहीं देता। इनकेस आपके परिवार में पहले से पितृ दोष है, पहले से ही यदि आपके घर में पितृ परेशान है, आपको हैरान परेशान कर रहे हैं, तो फिर आपको हर एकादशी जब भी आप व्रत उपवास करते हैं, तो जो भी उपाय काले तिल के बताए जाते हैं, उन उपायों को जरूर करें। हर एकादशी को पितरों के नाम पर जल में काले तिल मिलाकर के उन्हें अवश्य ही आप अर्पित करें, और यदि संभव हो सके तो एकादशी का जो आप व्रत करते हैं, उसका पुण्य फल अपने हाथ में जल लें। और सुबह ही जब आप एकादशी का उपवास करते हैं, हाथ में जल ले लें और उस समय बोले कि आज मैं जो एकादशी का व्रत उपवास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका जो पुण्य फल है, वो फल मैं अपने पितरों के नाम पर अर्पित कर रहा हूँ। दोस्तों, आपके पितृ चाहे कितने भी पिशाच योनि में क्यों ना हो, कितने भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके द्वारा यदि एकादशी का पुण्य फल अपने पितरों को अर्पित किया जाएगा, तो उन्हें बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है। यदि एकादशी वाले दिन दोस्तों आप चींटियों को शक्कर और आटा देना शुरू कर दें, आपके घर में हमेशा धन के भंडारे भरे रहेंगे। एकादशी वाले दिन व्रत उपवास करें ना करें, दान अवश्य करें। जो भी मूक जीव हैं, उन्हें खिलाएं पिलाएं, गरीबों को दान करें, भोजन वगैरह खिलाएं। एकादशी वाले दिन का किया गया दान दोस्तों, आपके पूरे परिवार की उन्नति कर देता है। एकादशी वाले दिन भगवान नारायण के घर में सेवा पूजा जरूर करें, नहा धोकर के स्वच्छ हो जाएं, पीले रंग के कपड़े पर भगवान नारायण की तस्वीर की या उनकी जो भी मूर्ति हो उसकी स्थापना करें, हल्दी वाले जल से, तिल वाले जल से उन्हें स्नान करवाएं, उसके बाद हल्दी का उन्हें तिलक लगाएं, पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं। और दोस्तों, आज के दिन यदि आप 108 हल्दी लेते हैं, 108 हल्दी ना ले पाए तो 21 हल्दी मतलब जो हल्दी के गांठे होती हैं, वो गांठे आपको लेनी है और पीले धागे में उसकी माला बनानी है। हर गांठों के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली रख करके, फर्स्ट उंगली रख करके, और आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करते जाना है, और वो माला आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देनी है, मतलब उन्हें पहना देनी है। एकादशी वाले दिन, गुरुवार वाले दिन, पूनम के दिन यदि आप अखी खड़ी हल्दी की, मतलब जो हल्दी के गांठे आती है, उसकी माला बना करके भगवान नारायण को अर्पित करते हैं, हमेशा आपके घर में धन आता रहेगा, धन का प्रमाण बराबर बना रहेगा। घर के जो बच्चे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, बच्चों का मन कुसंगत में नहीं जाएगा। आप देखना, जब राहु आपको तकलीफ देते हैं तो बच्चे कुसंगत में चढ़ जाते हैं, गलत लोगों की संगत में चढ़ते हैं। संगत ऐसी चीज है दोस्तों, जो अच्छे अच्छे इंसान को बर्बाद कर देती है। हमें कितनी बार ये वहम होता है कि नहीं नहीं, मेरे पास तो बुद्धि है, क्या मेरे पास अपनी सोच नहीं है, कोई मुझे कैसे बर्बाद कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आपको बर्बाद करेगा, लिख लो मेरी बात को, बड़े ध्यान से नोटिस करना, क्योंकि मैं जो कह रही हूं अपने अनुभवों से कह रही हूं। जब कोई व्यक्ति आपको बर्बाद करेगा, तो वो आपसे ज्यादा बुद्धिशाली होगा, तभी वो आपकी बुद्धि को अपने अंडर में लेगा। आपकी बुद्धि समझ ही नहीं पाएगी कि आपको क्या समझा रहा है, कैसे ये व्यक्ति आपको अपने परिवार से अलग कर रहा है, कैसे ये व्यक्ति
आपको नशाखोरी सिखा रहा है? कैसे ये व्यक्ति आपके पैसों पर खुद अय्याशी कर रहा है? कैसे, कहाँ, किस जगह ये व्यक्ति आपके थ्रू अपना काम निकाल रहा है और आपके 10 दुश्मन पैदा कर रहा है? आपका दिमाग जजमेंट नहीं ले पाएगा। तो यदि आपके गुरु मजबूत होंगे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आपका ज्ञान इतना गहरा होगा। तो जो मैंने दिन बताए हैं, गुरुवार हो, पूनम हो, एकादशी हो, भगवान नारायण को हल्दी की गांठों की माला अवश्य ही अर्पित करें। तमाम आपके रुके हुए काम दोस्तों फटाक से होंगे। आज के दिन 3 चुटकी हल्दी भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करें। 3 मंत्र जो मैं बता रही हूं, इन तीनों मंत्रों को बोलते हुए, पहला है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला मंत्र बोले एक चुटकी हल्दी चढ़ा दे, दूसरा मंत्र बोले दूसरी चुटकी हल्दी की चढ़ाए, तीसरा मंत्र ओम नमो विष्णवे नमः, ओम नमो विष्णवे नमः, ओम नमो विष्णवे नमः, तीसरी चुटकी हल्दी की चढ़ाते हैं। जब आप हल्दी चढ़ाते हैं तब तस्वीर या मूर्ति के नीचे एक कागज रखें कि हल्दी उस कागज पर गिरती रहे, ठीक है। जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है उसके बाद आप उस हल्दी की पुड़िया बना लें और अपने पर्स में रख लें। दोस्तों मैं कहूंगी और आपको कितना अनुभव होता है, आप कितना उस पर बिलीव कर पाते हैं, ये आपका मैटर है। आपकी बुद्धि आपका कितना साथ देती है ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे सच में आश्चर्य होता है कि कितना अमृत जैसा ज्ञान है, लोग उसके भी मजाक उड़ा देते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन दूसरी एक और चीज है, आपके अपने अनुभव, आपकी बुद्धि कुछ भी कहेगी। जब आप कोई अच्छा उपाय करेंगे और आपको उससे अच्छे अनुभव होंगे तो आपकी बुद्धि खुद उस चीज का स्वीकार कर लेगी कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज थी। कभी किसी उपाय को करने से दोस्तों कुछ समय लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखें। ये जो उपाय है बहुत दिव्य है, अलौकिक होते हैं, कभी इनका अपमान ना करें। तो आज एकादशी वाले दिन ये छोटा सा काम जो मैंने बताया है अवश्य ही कर लें। वैसे दोस्तों बहुत सारे उपाय होते हैं करने के लिए, लेकिन एक वीडियो के अंदर सारे उपाय बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए कितनी बार एक ही दिन की एक से ज्यादा वीडियो बनानी पड़ती है। तो आप जो भी उपाय जितने भी कर पाए अवश्य ही करें, उपायों को करते रहें और खुश रहें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।